अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लोगों, आपको बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। तो आज मैं सुबह असल में उठा था, अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बाहर निकला तो मुझे DHL का एक बॉक्स मिला जिसमें अमेजोन का पार्सल आया हुआ था। तो बेसिकली मैंने सोचा आप लोगों को दिखाएं कि क्या मैंने ऑर्डर किया है। टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि एक मिनी प्रोजेक्टर मैंने ऑर्डर किया है और काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज थे और काफ़ी अच्छा मतलब ये लगा मुझे। और आपको पता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों के साथ या इधर उधर निकले हुए तो आप स्क्रीन तो अपने साथ लेके जा नहीं सकते, तो फिर ये मिनी प्रोजेक्टर ये छोटा सा बॉक्स आपके बड़ा काम आता है। तो आइए इसकी टेस्टिंग भी करते हैं, आपको दिखाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये बॉक्स है और 2 मिनट लगेंगे इसको ऐसे ही काटते हैं। मैं छुरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने इसका नहीं करना, और अगर करना भी तो बहुत छोटी सी छुरी लेनी मेरी तरह, क्योंकि बाद अवाद आप एक्साइटमेंट में अपने साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए खासतौर पर बच्चे तो बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें, उनके लिए बेहतर है वो अपने पेरेंट्स से कहें कि वो खोल के दे दें उनको बॉक्स। बच्चों से मुराद 10 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं या 12 साल के। चले आइए देखें, इसके अंदर भी इससे भी मजीद छोटा बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट भी है। जबरदस्त बात यह है कि कितना छोटा सा बॉक्स है, आप आराम से ट्रेवल करते हुए अपने बैकपैक में भी रख सकते हैं, अपने साथ कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। जो कि असल में मकसद यही था इसको मंगवाने का कि आप जब ट्रेवल कर रहे हो, जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं ले जा सकते लेकिन आप ये ले जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्लेम किया कि 1080p की क्वालिटी में वीडियो आपको दिखाते हैं, तो हम जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है। जैसा कि मैंने सोचा था, बॉक्स के अंदर मजीद छोटा सा बॉक्स निकला है, मतलब ये इसकी खुद की शेप निकली। अगर आप देखें इसका इतना सा साइज है बस, अगर आप देखें इसको तो ये पूरे मेरे हाथ में आ रहा है, इतना छोटा सा साइज है। अगर ये वाकई इतना छोटा सा बॉक्स 1080p देता है तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्टर हो नहीं सकता। तो चलें टेस्ट करते हैं, पहले आपको दिखा दूं बल्कि कि इसमें और है क्या। एक प्रोजेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये मैं कॉफ़ी का कप हटाता हूँ, सब में सुबह सुबह कॉफ़ी की ज़रूरी है। और दूसरा हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास है HDMI केबल, मतलब HDMI सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस चीज़ की और ज़रूरी भी है। और साथ साथ आपके पास ये हाँ ऑडियो वीडियो केबल्स भी हैं आपके पास, कि आप लगा करके आप जो TVs होते हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ रिमोट कंट्रोल, ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने रिमोट भी दिया आपको इस्तेमाल करने के लिए, और एक अडॉप्टर है इसको ऑपरेट करने के लिए। बैटरी नहीं है इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है, आइडिया है लेकिन देख लेते हैं। हाँ बैटरी नहीं होगी इसके अंदर, डायरेक्ट केबल ही चलेगा, लेकिन वो बंदा कर ही लेता अरेंजमेंट। ये इसका यूजर मैनुअल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट पहली दफ़ा लें तो आप उसका मैनुअल लाजमी पढ़ें, ताकि आपसे कोई चीज़ गलत ना हो, आप ऑपरेट करते हुए कोई मिस्टेक ना करें। मैनुअल जो होते हैं ज़्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, और इंग्लिश के अलावा चाइनीज और अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको ये मिल जाते हैं। तो एक क्लोज लुक आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है ये, आप ये देख सकते हैं वीडियो के एंड में, आपको और क्लोज करके इसके क्लोजर्स में दिखा दूंगा, लेकिन ये बस इतना सा बॉक्स है। चले आइए टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो की केबल जो थी उसकी अलग आपके पास ऑप्शन है इनपुट सोर्स की, HDMI की अलग है, आप USB से भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप स्क्रीन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो हम जो मोस्ट कॉमन फीचर है इसका HDMI जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं उससे ट्राई करते हैं। HDMI पे जाएंगे और मैं क्विकली अपना लैपटॉप कनेक्ट करूँगा HDMI से, ताकि आपको ठीक है, आप देख सकते हैं लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है। तो अब वीडियो प्ले करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है और क्या इसके साउंड क्वालिटी, दोनों चीज़ें दिखाते हैं वीडियो साउंड। तो देखा आपने कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इंडोर के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन आउटडोर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ आप एक्सटर्नल स्पीकर लेके जाएं, तो एक्सटर्नल स्पीकर होगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है,
और मैंने आपको वैसे भी दिखाया कि हम इसको कितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 65 इंचेस से ज़्यादा आप इसको स्क्रीन को इसकी जो वो है डिस्प्ले को वाइड कर सकते हैं। तो चले यहीं तक रिव्यू था मेरा और अनबॉक्सिंग में आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आपने बात पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और चलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।